दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की मैं वीडियो सीरीज चला रहा हूं, जिसमें कहीं ना कहीं की प्लैनेट की हाउसेस, जैसे मार्क जकर्सबर्ग की जो मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने इम्पॉर्टेंस बताई थी कि कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से कैसे तार जुड़ते हैं और कैसे उनका फेसबुक का कैरियर 2004 में किस दशा से शुरू हुआ और तीसरे हाउस और फिफ्थ हाउस और टेंथ और इलेवंथ हाउस और लगन इनकी क्या भूमिका थी, कैसे शनि की दशा ने उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। इवन राजेश खन्ना का जब डाउनफॉल आया, उस दशा को सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छी दशा बता रहे थे, वो दशा थी राहु में मरकरी की। मरकरी 29 डिग्री का था कस्पल चार्ट में, वो आठवें घर में चला गया था। वो दशा राजेश खन्ना जी को ऊपर ले जाने की जगह बिल्कुल डाउनफॉल में ले गई, क्योंकि 29 डिग्री के प्लैनेट ने आठवें घर के फल दे दिए। हालांकि उस दशा का, उस प्लैनेट का उनकी ज़िंदगी में लगन और सप्तम का एक्सचेंज का उनकी कैरियर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसी तरह हम जब धोनी की जी की कुंडली देख रहे थे, एम एस धोनी जी की, वहाँ पर उनका लगन का लॉर्ड, उनका कन्या लगन था, लगन का लॉर्ड 10th हाउस में था। लगन में शनि, जुपिटर और मून थे। कन्या लगन में मून लाभेश होता है, शनि जो कि बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट बनाता है। जब शनि के साथ लाभेश मून आके साथ में आए कंजंक्शन में, तो ऐसे व्यक्ति की जो स्ट्रेटेजी है ना, माइंड बहुत जल्दी चेंजेस ले आता है। तो वो उनका माइंड भी बिल्कुल ऐसे ही था, बहुत जल्दी वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते थे, क्योंकि हर बॉल पे उनको कुछ ना कुछ नई, विकेटकीपर थे, कैप्टन थे, हर बॉल पे उनको कुछ ना कुछ, हर नए एक्स्ट्रा ओवर से पहले कोई डिसीजन लेना होता था। वो चंद्रमा ने वहाँ पे, चंद्रमा चूंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है एक स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में, क्योंकि आपके अंदर जो विचारों की क्रांति चलती है जीवन में, उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। वहाँ जुपिटर और चंद्रमा एक गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे थे और शनि के साथ चंद्रमा का जो एज ए लाभेश रोल था, वो विचारों की क्रांति का ही था। बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी चेंज करते थे। इसी तरह के जब मैंने दलजीत दोसांझ जी की कुंडली बनाई थी, उनका लगन का लॉर्ड 10th हाउस में था, पंच महापुरुष योग बना रहा था, सेकंड हाउस से उनका कैरियर का क्या संबंध था वो बताया। इसी तरीके से लता जी की जब कुंडली बनाई, उनका मिथुन लगन था 4th हाउस में, भद्र वही पंच महापुरुष योग बन रहा था, बुध चौथे घर में स्वराशि में थे। सेकंड हाउस में का कनेक्शन क्या बैठा उस बुध से, वो आपको समझाता हूँ। उनका सेकंड हाउस का चंद्रमा बुध के नक्षत्र में बैठा था, बुध 4th हाउस से कैरियर से संबंध बना के बैठे थे, यानी सेकंड का 10th हाउस से क्या कनेक्शन बैठा वो बताता हूँ आपको। इसी तरीके से मैं बहुत अलग अलग चीज़ें लेके आपके साथ आया हूँ, आज एक नई चीज़ लेके आपके सामने आता हूँ, वो है राजसत्ता। तो आज सोनिया जी की कुंडली आपके सामने लाया हूँ, उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले उनकी, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले न्यूमरोलॉजी पर जाते हैं, उनकी 9 दिसंबर 1946 की उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 9 और 5 का कॉम्बिनेशन है, 5 नंबर इंटेलिजेंस का, मंगल कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्कोलिक इंसान को, पर्सनालिटी को बनाता है। सचिन तेंदुलकर जो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बने, उनका भी नाम देखो तो 9 और 5 का कनेक्शन बैठता था। तो दोस्तों 9 5 का कनेक्शन था, लोशोग्रेड उनका आपके सामने डिस्कस करता हूँ। 4992 यानी मेंटल प्लेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10 साल देश की राजनीति के सेंटर पॉइंट पे रही सोनिया गांधी जी। 2004 से 2014 तक का कार्यकाल कांग्रेस का रहा है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के तौर पे सामने मेन चेहरा थे, पर कहीं ना कहीं मेन पूरी उनकी स्ट्रेटेजी जो चलती थी वो सोनिया गांधी जी की चलती थी। 492 यानी मेंटल प्लेन बना हुआ है, बहुत तेज दिमाग है। 951 भी बना हुआ है, 9911 है, मास्टर प्लानर, मास्टर एग्जीक्यूटर है। अब सबसे मेन बात करता हूँ लोशोग्रेड में 456 की। जब इतने शीर्ष पे पहुंची तो कुछ ना कुछ न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा कुछ पॉइंट होना चाहिए जो उनको शीर्ष को दिखाता हो। 456 का सबसे बड़ा गोल्डन राजयोग उनके लोशोग्रेड में बना हुआ था। दोस्तों बात बहुत क्रक्स की शुरू करता हूँ हॉरोस्कोप्स। उन्होंने अपने इटली में राज नहीं किया, भारत आके राज किया। तो ऐसे क्या प्लैनेट की मतलब कॉम्बिनेशन थे जो उन्होंने भारत जैसे देश में आके 10 साल उन्होंने राज किया। दोस्तों उनका आपको हॉरोस्कोप उनके आपके सामने रखता हूँ। कैंसर लगन की कुंडली है, लगन का लॉर्ड 12वें घर में यानी विदेश के घर में बैठा हुआ है।
राजयोग बना हुआ है तो वो राजयोग का जिक्र करता हूँ। टेंथ लॉर्ड मंगल सिक्स हाउस में बैठ के मून और मार्स का आपस में संबंध बन रहा है, बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। तो देखो, क्योंकि विश्व एक बाहर के देश में आके उन्होंने राज किया, वो पूरा उनका हॉरोस्कोप में भी नजर आ रहा है, पूरा का पूरा राजयोग विदेश में ही बना हुआ है। वैसे 6 और 12 के राजयोग थोड़े वीक होते हैं, पर उनका तो बहुत सॉलिड राजयोग था। तो यहाँ राजयोग ये इंडिकेट कर रहा है कि किसी बाहर के देश में आके उन्होंने सक्सेसफुली अपना राज चलाया। वैसे भी मंगल सिक्स हाउस का बहुत अच्छा होता है, अद्भुत लड़ाई की क्षमता देता है, कंपटीटर है, पॉलिटिकल लड़ाई चलती है, कंपटीशन में आगे रखता है। अब बात करता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण एक दशा की, जिस दशा ने उनको राजयोग दिलाया। वो क्या वो दशा ऐसा हॉरोस्कोप में नजर आ रहा है कि राजयोग दिलाने वाली दशा थी? सीधे तौर पे देखोगे तो स्पष्ट मना कर दोगे कि ये दशा उनको राजयोग नहीं दिला सकती। अब कर्क लग्न की कुंडली में मरकरी का बहुत बड़ा रोल तो होता नहीं राजयोग दिलाने वाला, कोई मेन कारक ग्रह तो है नहीं यहां पर वो मरकरी, लेकिन देखो कैसे उसी मरकरी ने इनको राजयोग दिलाया। आपके सामने वो पॉइंट डिस्कस करता हूं जो बहुत लोग जिस पॉइंट से अनभिज्ञ हैं, आज तक लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि फिफ्थ हाउस का मरकरी कैंसर लगन में कितना बड़ा राजयोग दिला सकता है। अब मैं आपको मेन पॉइंट्स जिक्र करता हूं। यहां पे मरकरी ट्वेल्थ लॉर्ड है, ट्वेल्थ लॉर्ड अपने घर से सिक्स हाउस में चला गया। ट्वेल्थ लॉर्ड का अपने से सिक्स में जाना नेगेटिव होता है, नेगेटिव यानी ट्वेल्थ हाउस ही नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव होता है। दूसरी क्या बात है, दूसरी मेन बात है, यहाँ पे मरकरी का जो दूसरे घर की लॉर्डशिप है वो थर्ड हाउस की आती है, तो थर्ड हाउस का भी अपने से थर्ड में जाना यानी फिफ्थ हाउस में जाना वो भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है। देखो जो दशा बहुत साधारण सी दिखती है उस दशा ने उनको राजयोग दिला दिया। मरकरी पंचम भाव में, वैसे एक बात बता दूं, पंचम हाउस का राजयोग से बिल्कुल सीधा रिश्ता है, बहुत महत्वपूर्ण भाव है। किसी भी बड़ी पोजीशन को हासिल करने में, सत्ता के गलियारों में पहुंचाने में फिफ्थ हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। अब बात करता हूं सीधा सीधा जिस दशा में सीधा सीधा वो सत्ता में आई। मरकरी में मून की दशा चल रही थी, मून ट्वेल्थ हाउस में लग्न का लॉर्ड होके और टेंथ लॉर्ड के साथ संपर्क बना रहा राजयोग वाला, तो ये दशा भी दिखा रही है। जब मरकरी मून की दशा आई पहली बार 2004 में जब वो चुनाव जीती तो उनके मरकरी मून की दशा चल रही थी, बिल्कुल सीधा तार जुड़ रहे हैं राज सत्ता से इस दशा के। 2009 में दूसरी बार वो चुनाव जीती। अब उस दशा का भी जिक्र करता हूं आपके सामने, वो दशा कौन सी थी? वो दशा मरकरी के साथ जुपिटर की दशा थी। जुपिटर यहां पे सीधा कारक ग्रह है, सीधा फोर्थ हाउस में यानी जनता के घर में बैठ के टेंथ हाउस को देख रहा है, तो वेरी वेल पोजिशन। जिस घर में बैठा किसके साथ बैठा है? वीनस के साथ बैठा है, वीनस उसी घर का लॉर्ड है। चतुर्थ भाव से हम जनता का स्नेह देखते हैं, टेंथ हाउस सीधा सत्ता का है। तो दोस्तों ये जुपिटर का संबंध सीधा सत्ता से बना होता, मरकरी पहले ही वेल पोजिशन था। इसी मरकरी को मैं अब D10 और D9 में भी देख लेता हूं कि वहां पे कहां वेल पोजिशन है या नहीं है, क्योंकि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री बनना तो कहीं ना कहीं वर्गो चार्ट में भी इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन हमें दिखना चाहिए। दोस्तों ये मरकरी देखो तुला लग्न बनता है इनका D10 में, लाभ के घर में है, किसके साथ है? शनि के साथ। शनि योग कारक प्लेनेट यानी फोर्थ और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बनता है, बहुत बढ़िया पोजीशन है। सैटर्न मरकरी के साथ 11th हाउस में बैठा हुआ है, बहुत बड़ा राजयोग यहाँ पे बना हुआ है। कारक बहुत बढ़िया लग्न बनता है मरकरी के लिए तुला लग्न। अब दूसरी नवांश की बात करता हूँ, नवांश में भी जो लगन है वो मकर लगन है, मकर लगन के लिए भी एक अच्छा कारक ग्रह बनता है मरकरी। और यहाँ पे मरकरी सातवें घर में यानी सीधा सीधा देखो दशम से दशम भाव, सातवां घर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चतुर्थ से चतुर्थ और दशम से दशम, चतुर्थ भाव जनता का, तो मरकरी वेरी वेल पोजिशन इन 7th हाउस, अगेन पूरा राजयोग दिलाने के काबिल है। यहाँ देखो मरकरी पूरा का पूरा मरकरी की दशा में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन मिला, इतने बड़े देश की ऑलमोस्ट प्रधानमंत्री की तरह उन्होंने कार्य किया, हालांकि वो सीधे सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नहीं थी। अब इसी दशा में ना मरकरी की दशा में 1990 के आसपास उनके जो हस्बैंड है उनकी कहीं डेथ हुई थी। सैटर्न राहु की दशा में राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी, ब्रूटल मर्डर हुआ था उनका साउथ में। दोस्तों वो दशा देखो उनकी कुंडली में देखते हैं कि ये दशा कुछ ऐसा बता रही है। देखिए बहुत स्पष्ट शनि हालांकि रेट्रोगेट होके
इलेवंथ भाव में रेट्रोगेट है और टेंथ हाउस के रिजल्ट देगा, तो टेंथ हाउस से सप्तम को देख रहा है, यानी हस्बैंड के घर को कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, क्योंकि शनि का सेवंथ हाउस को देखना रेट्रोगेट होके अच्छा नहीं माना जाता। और राहु वो सिक्स हाउस में बैठे हैं जो कि सातवें घर से बारहवां घर है, यानी सातवें घर का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान दिखाता है। तो जब शनि और राहु में उनके हस्बैंड की डेथ हुई तो वो उनके हॉरोस्कोप में भी ये बात स्पष्ट दिख रही है। तो दोस्तों अब ये बात जो मैं आपसे कही कि शनि और राहु की दशा थी, तो शनि और राहु उनका मरकरी से पहले चला, ये इंसिडेंट हो चुका था उनके सत्ता में आने से पहले, मरकरी की दशा शनि के बाद आती है। तो वो दशा देखो पूरी की पूरी हॉरोस्कोप में अगर ज्योतिषीय एंगल से देखता हूँ स्पष्ट इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं हस्बैंड का उस पीरियड में नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, मैं हर प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेके आता हूँ। आज सोनिया गांधी जी की जिंदगी पूरी की पूरी आपके सामने रखी है, उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर पसंद मेरा वीडियो आए तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।